आज मेरा समुदाय जो है वो धरने पे है, सड़कों पे है, ये सरकार के लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए। बीते 10 वर्षों में जो वायदे हमसे किए गए थे उसमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया, और अनेकों वायदे थे कि हमारा जो पैकेज है उसको लागू किया जाएगा, हमारे लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित की जाएंगी, और जितनी भी बातें हमने मांगी थी कही थी, किसी पर कोई काम विचार नहीं हुआ। आप देखें कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मेरे लोगों का हक था, क्योंकि हम लोग सारे के सारे जो हैं वो पहाड़ी हैं, हमारी एथनिसिटी पहाड़ी है, हमारा ट्राइब पहाड़ी है, हमारा क्लैन पहाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो हक हमें नहीं मिल पाया। और भी सारी बातें जो हैं, इसलिए लोग दुखी हैं क्योंकि हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन देने की बात हुई थी पूरे हिंदुस्तान भर में, और जो ज़मीनें हमें वहाँ से आने के बाद यहाँ थोड़ी बहुत मिली थी कृषि योग्य, उन भूमि पर जो हमें अधिकार था कि हम उसको बेच सकते थे, हम उसको मॉर्टगेज करके लोन ले सकते थे ताकि हम बच्चे की पढ़ाई पूरी कर सकें, उसका इलाज करा सकें, शादी कर सकें, इन्होंने वो अधिकार भी हमसे जो है ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाकर छीन लिया है। कोई भी बात सुनने के लिए हमारी तैयार नहीं है सरकार, तो आज मजबूर होकर हम सड़कों पर उतरे, क्योंकि 80% से ज़्यादा जनता जो मेरी है वो गरीबी रेखा से नीचे है, बड़े मुश्किल से जीवन यापन होता है।